केनिची बन गया चॉपर से ग्रास हॉपर। डिंग डिंग। चलो मेरा काम तो हो गया। चलो काफी रात हो गई। देखो कितना खूबसूरत चांद है और मौसम भी औसम है। रात कीटक भी गाना गा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये तुम्हें अजीब लग रहा है क्या? लेकिन आजकल तो कुछ भी नहीं, पहले हमारे गार्डन में बेल क्रिकेट कितना शोर मचाते थे। वाह, अच्छा तुमने ये आवाज सुनी? बताओ ये आवाज किसकी है? लगता है शायद। क्यों, ये पाइन क्रिकेट है ना? हाँ, पाइन क्रिकेट, पाइन क्रिकेट। ये है ग्रास हॉपर। कितना शोर है, मैं सो नहीं पा रहा। अरे केनिची आओ, देखो हमारे गार्डन में बेल क्रिकेट आ गए हैं, साथ में पाइन क्रिकेट और ग्रास हॉपर भी। ये पॉसिबल नहीं है, जरूर हथौड़ी इनकी आवाज की नकल कर रहा होगा। क्या कहा हथौड़ी? डिंग डिंग। आखिर मैं पकड़ा गया। वाह केनिची, क्या बात है, तुम्हारा जवाब नहीं। ओह, ये तो सचमुच हथौड़ी ही है। वाह कमाल कर दिया हथौड़ी। एक निंजा हूँ ना, मेरे लिए कीड़ों की आवाज निकालना बहुत ही आसान था। अरे हथौड़ी, ये सब यहाँ कैसे आ गए? ओह नो, मेरी आवाज सुनकर उन्हें लगा कि मैं उन्हें पुकार रहा था, इसलिए यहाँ आए होंगे। वाह, ये बेल क्रिकेट को देखो, कितने अच्छे और प्याले हैं ना। शिंजो, अगर बेल क्रिकेट मम्मी जैसे हैं, तो मैं किसके जैसा हूँ ये बताओ मुझे। क्या पापा? ओ हाँ, पापा तो क्रिकेट जैसे हैं। बिल्कुल सही कहा शिंजो। तो ये बताओ मैं किसकी तरह हूँ? तुम ग्रास हॉपर जैसे हो केनिची। सही कहा तुमने, क्योंकि ये नादान और शरारती भी है। ग्रास हॉपर की तरह? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। हथौड़ी, बहुत रात हो चुकी, इन कीड़ों को वापस भेज दो। मैं कुछ नहीं कर सकता मम्मी, ये जाएंगे तो अपनी मर्जी से, वरना वापस नहीं जाएंगे। उसे मत बोलिए, वरना हमेशा के लिए रहेंगे। ये देखो मुझे ये मिला। मेरे पास एक ग्रास हॉपर। कितना शोर कर रहे हैं बच्चे, सबको खुश देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना। कल रात हम कितने परेशान थे, है ना? हाय केनिची, थैंक्स। ये देखो मुझे बेल क्रिकेट मिला। बेल क्रिकेट? ये तुमको सूट करता है यूमिको? ए यूमिको, ये देखो मेरा वाला पाइन क्रिकेट और तुम्हारा वाला बेल क्रिकेट, ऐसा लग रहा है मानो ड्यूएट सॉन्ग गा रहा हो, है ना? हाँ, सच में। हथौड़ी, इन कीड़ों के लिए थैंक्स, ये सच में बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। अब ये इतनी ही बची है। थैंक्स सर। हाँ, ये तो सारे ग्रास हॉपर है, क्योंकि इन्हें किसी ने नहीं अपनाया और लेने से मना कर दिया। क्या पता नहीं क्यों। मैं बताऊं सर? हाँ बोलो हमारा। सर देखिए, मुझे तो लगता है कि ये ग्रास हॉपर बहुत सुस्त और आलसी है और किसी काम के नहीं है। तुमने सही कहा, ये सिर्फ भटकते रहते हैं और आलसी बन जाते हैं, ये बात सबको पता है। हाँ सर, आपने सही कहा, और जरा इनकी शक्ल तो देखिए, बड़ी ही अजीब है। तुम तो ऐसा मत बोलो। और इसीलिए तो ये सस्ते में बिकते होंगे। और तो और, ये गाना भी बेसुरा गाते हैं। ये सिर्फ खाते रहते हैं। केनी जी, तुम्हारे पेट में डाल दूंगा। कोई गड़बड़ मत करना। मैं तो ग्रास हॉपर हूँ ना, मैं ये ककड़ी खा सकता हूँ, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? केनी जी, तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम नहीं समझोगे, देखा नहीं सब मेरे बारे में वहाँ कैसे बोल रहे थे। ये तो हद हो गई, समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। मुझे तो पता ही नहीं था, अब पता चला कि यूमिको और सर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्या सोच रहे हो? मुझे आज और बुद्धू कहा, और मुझ में मैनेज भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अगर ऐसी बातें तो चिढ़ाते रहो मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। केनिची बस भी करो, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो साबित करके दिखाओ। क्या कहा, साबित करके दिखाओ? डिंग डिंग। असंभव असंभव। यूमिको यूमिको, क्या कहा, हथौड़ी निंजा टेक्निक से केनिची को ग्रास हॉपर में बदल देगा? कैसे? नहीं होता तो चलो मिले सर। अभी आई शिंजो। Oh.
अब मैं अपनी निंजा टेक्निक से कैनिची को ग्रास हॉपर में बदलूंगा। डिंग 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 डिंग। ये देखो कैनिची हो गया तैयार। मेरा डुप्लीकेट। अरे भाई देखो कौन आया। वो आ गए कैनिची, तुम जल्दी से कहीं पर छुप जाओ, चलो जल्दी। वो देखो। तो तुम अपना इरादा नहीं बदलोगे, ग्रास हॉपर बनोगे, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ सही कहो। तो चलो तैयार हो जाओ ग्रास हॉपर में बदलने की निंजा टेक्निक। चश्मे से तो ऐसा ही लगता है, हथौड़ी तुम्हारी टेक्निक का जवाब नहीं। हाँ, अब क्या होगा? हथौड़ी अच्छी बात है, केनिची को नॉर्मल बना दो। सॉरी युमिको, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो केनिची की इच्छा थी, उसे ही ग्रास हॉपर बनना था, मैं क्या करूँ? नहीं लेकिन वो ग्रास हॉपर क्यों बनना चाहेगा? स्कूल में ग्रास हॉपर के बारे में सब की बातें सुनी थी केनिची ने, और उसे लगा कि तुम सब उसी के बारे में बोल रहे हो। क्या कहा? ग्रास हॉपर? बार बार बोल रहे थे आलसी है, बुद्धू है। अच्छा वो बात। तो हम क्या ग्रास हॉपर के बारे में बात कर रहे थे, केनिची के बारे में नहीं? केनिची मैं हूँ युमिको, मुझे पहचान सकते हो? यहाँ आओ। ये क्या हो गया, तुम ग्रास हॉपर क्यों बने? I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सी बात का बुरा मान जाओगे। युमिको केनिची प्लीज हथौड़ी इसे पहले जैसा बना दो। युमिको तुम्हारा मतलब है कि अभी? अभी के अभी, प्लीज हथौड़ी ये बहुत मुश्किल है। क्यों, क्या तुम इसे चेंज नहीं कर सकते? लेकिन वो अब मैं उसको ऐसा। लेकिन युमिको केनिची ऐसे ही ग्रास हॉपर बना रहे तो क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी कौन सा स्कूल में टॉपर है? अपनी बकवास बंद करो हथौड़ी, तुम केनिची को नॉर्मल कर दो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? नहीं तो मैं इसे ले जाऊंगी। क्या अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। केनिची तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, घबराओ मत केनिची। अरे इसे साथ ले गई तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। रुको, ये क्या हो गया? युमिको अब मैं क्या करूं? बल्ले भाई अब हम क्या करें? अच्छा लगा तो केनिची गायब हो जाएगा। हाँ ये तो हद हो गई यार। ये क्या हो गया? देखो केनिची भाग गया। और ये आ गया कहानी में ट्विस्ट। युमिको बताओ क्या हुआ, केनिची कहाँ भाग गया? बताओ ना, बताओ। मैंने उसे पकड़ा था, वो मेरे हाथों से उड़ गया। कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना, मैं उसे ढूंढता हूँ केनिची। यही मौका है शिंजो शिशिमानो, तुम दोनों केनिची को ढूंढने का नाटक करो, तब तक मैं केनिची को नॉर्मल बना देता हूँ, समझे? उस चश्मे से उसे दिख रहा होगा ना। कहाँ हो तुम? केनिची कहाँ हो तुम? डिंग डिंग। केनिची सच में तुम ही हो ना? I'm sorry केनिची। Even I'm sorry युमिको, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं केनिची, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। डिंग डिंग। चलो अच्छा है मेरा काम बन गया। अच्छा चलो अब चलते हैं। हाँ केनिची। तुम्ही ने तो कहा कि तुम मुझे अपने घर ले जाओगी, है ना युमिको? क्या? वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुम ग्रास हॉपर बन गए थे। क्या? लेकिन अरे ये क्या, मुझे पता नहीं था केनिची सच में इतना स्मार्ट होगा, ये तो ग्रास हॉपर से टॉपर बन गया। मसल के चक्कर में केनिची गया फिसल। डिंग डिंग। ऐसा और अरे ये तो युमिको है, पता नहीं यहाँ क्या कर रही है युमिको। नहीं नहीं एक मिनट, मैं उस चश्मे बदूर केनिची को बुलाता हूँ, मजा आएगा। देखो तो केनिची युमिको कैसे उस स्टैचू को देख रही है, वो भी लगभग काफी टाइम से। इसका मतलब उसे हैवी बॉडी बिल्डिंग वाले मसल्स वाले स्टैचू पसंद है और वो उस पर रिसर्च कर रही है। ऐसी बात है तो मैं अभी जाके उससे पूछता हूँ। युमिको गुड लक केनिची। हाय केनिची। हाय युमिको, बताओ ये पोज कैसा है? पोज मतलब? मेरा मतलब उस स्टैचू से था। अच्छा तो ये बात है, लेकिन ये स्टैचू तो कितना है।
हैंडसम और स्मार्ट है ना कैनन जी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके बाय। युमिको। अच्छा तो ये बात है, युमिको को वो स्टैचू स्मार्ट और हैंडसम लगता है। देखा, मैंने कहा था ना किरिची। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना चीता बनो चीता, यानी कि मसल्स बनाओ डोले शोले। वो तो मैं बना कर ही रहूंगा। ये तो आसानी से मेरी बातों में आ गया। हाँ? क्या कहा, पापा का ट्रेनिंग मशीन? हाँ, वो जो वो पिछले महीने लाए थे। अच्छा वो वाली। पापा ने सिर्फ एक बार यूज किया और वो बोर हो गए, इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड को दे दिया। क्या, फ्रेंड को दे दिया? ये तो बहुत अच्छी बात है, जो फिट है वही हिट है। तो प्लीज मुझे भी बॉडी बिल्डर्स की तरह स्ट्रॉन्ग बनाओ ना। 1 2 1 2 छोटी छोटी सांसें लोगे तो मेंटेन कर पाओगे केनिची। सांस लो फिर छोड़ो। मैंने कहा शिंजो मुझे वो दे दो। जरा रुको, अभी मैं यूज कर रहा हूँ। मुझे तो, अरे बाप रे मर गया। शिंजो तुमने जानबूझकर मेरी नाक तोड़ डाली। शिशिमानो तुम तो पांडा बन गए। क्या कहा, मैं कोई पांडा वांडा नहीं हूँ, मैं शिशिमानो हूँ। शिंजो शिशिमानो शांत हो जाओ। हाँ प्लीज, तुम दोनों के शोर की वजह से मैं ध्यान नहीं दे पा रहा। अब तुम पांडा बन गए। बकवास बंद करो। क्या केनिची ने अपनी बॉडी बिल्डिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी? हाँ बॉस, और उसे हथौड़ी जैसा बेस्ट कोच भी मिल गया है। अच्छा ये बात है, तब तो बड़ा मजा आएगा। एक दो लगे रहो। मैं थक गया हूँ, प्लीज मैं थोड़ा ब्रेक लूँ। तुम ऐसे ही ब्रेक लेते रहोगे तो रिकॉर्ड कैसे ब्रेक करोगे केनिची? चलो जल्दी करो। ओके हथौड़ी। केनिची तुम भी ना। केनिची। हाय केनिची। ओ हाय युमिको। क्या बात है, तुम तो एक्सपर्ट हो गए। Come on, Kenichi. मैं तुम्हें चीयर करूंगी Kenichi. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है युमिको। लो ये तो हो गया। तुम काफी मेहनत कर रहे हो। थैंक यू युमिको। हैंडस्टैंड वॉक कैसा रहेगा? हाँ, ये कसरत अपर हाफ बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है Kenichi. तो क्यों ना हम किसी बड़े खुले मैदान में प्रैक्टिस करने चले। एक दो। युमिको मैं कड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। हाँ केनिची, तुम जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। भला हो इस युमिको का, केनिची वाकई में बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ वो लोग आ गए। एक दो थोड़ी देर और होल्ड करो केनिची। केनिची तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उस पेड़ के नीचे रुकते हैं और फिर चलते हैं। निंग निंग, निंग निंग। गिर गए। केनिची उठो केनिची, क्या हुआ तुम्हें? देखा कैसे गड्ढे में गिर गए। सही है बात। निंग निंग, निंग निंग, निंग निंग, निंग निंग, निंग निंग। तुम ठीक तो हो ना केनिची? ये क्या? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ युमिको। मैं इस फूल के सामने थोड़ी और कूल एक्टिंग करूँगा केनिची के लिए। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगा मेरा साइड। वाह वाह शाबाश, क्या बात है। 1 2 और ये है स्टैंड से एक हाथ पर। वाह अमेजिंग कूल। आखिर चक्कर क्या है पता लगाना पड़ेगा। 1 2 1 2 अच्छा अब समझ गया। समझ गया बॉल। 1 2 1 मैडम। मुझे पता था कि तुम हथौड़ी हो। युमिको प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने केनिची के लिए किया और कुछ नहीं, प्लीज मेरा यकीन करो। मुझे पहले ही पता था जरूर कुछ गड़बड़ है, केनिची मेरे लिए हमेशा केनिची ही रहेगा, मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। युमिको रुको, ऐसी बात नहीं है। रुको युमिको। हाँ? ये तो हाँ?
ये क्या पोल खुल गई? बस मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाइए। ये हमारा बीच में आके हमेशा काम बिगाड़ देता है। लेकिन निंजा टेक्निक से केनिची को बदलने की मेहनत वाकई में एक अच्छी आइडिया थी। ये कोई बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो वरना युमिको आ जाएगी। हाँ, ये निंजा सूट पहनने से क्या होगा? ये मैंने पहले भी ट्राई किया है, निंजा सूट की नकली बॉडी टेक्निक। ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ नहीं पहना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे इसे पहन के रखना। वो आ गई, युमिको आ गई। तो तैयार हो जाओ जैसे कि हमने प्लान किया है। अब आएगा असली मजा। क्यों, क्या बोलते हो? हाय युमिको, तुम मुझे क्या बताने वाले थे केनिची? ये देखो। डिंग डिंग, शुरू हो जाओ। जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। अच्छा, तो ये सब पहले से ही प्लान किया था क्या? ओए क्यों, जल्दी करो। यस बॉस। युमिको, ये देखो मेरे मसल्स। तुम्हें क्या हुआ है? क्या मतलब है तुम्हारा क्या हुआ है? तुम देख रही हो ना, अब बताओ। डिंग डिंग, ये क्या हो रहा है? जोर लगा के है या, जोर लगा के है या, जोर लगा के है या। है या, टिंगी तो गई या। अब बताओ युमिको, कैसे लग रही है मेरी बॉडी बिल्डिंग? लग रहा हूँ ना एकदम फिट? नहीं, बिल्कुल नहीं केनिची, ये तुम्हें किसने कहा? लेकिन कल तो तुम ऐसा ही कुछ बोल रही थी, क्यों है ना? और वो स्टैचू भी तो तुम्हें कितना पसंद आया था, है ना? क्या तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है? मैं तो बस स्टैचू को स्टडी कर रही थी। लेकिन वो हमारा तो। क्या कहा, हमारा? ऐसी कोई बात नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। ओके बाय। लो, एक बार फिर से पप्पू फेल हो गया। केनिची जल्दबाजी में सोचता है और गलती कर बैठता है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ अम्मारा है। हवा भरो। केनिची का गुस्सा मैं समझता हूँ। अरे ये क्या, ये नकली बॉडी सूट तो तितर बितर हो गया।